हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2014 में आई बॉल्स मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के रिचर्ड को मैच खेलते हुए देखते हैं। तभी मैच के दौरान एक दूसरी टीम का खिलाड़ी रिचर्ड के मुंह पर अपना हेलमेट मार देता है और रिचर्ड के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर रिचर्ड उस खिलाड़ी पर हमला कर देता है और रिचर्ड उसे बुरी तरह से पीटता है। वहीं हम एक कुत्ते को रिचर्ड पर बराबर भोंकते हुए देखते हैं। इसके बाद रिचर्ड जब अपनी लैला के साथ गाड़ी में होता है, तब रिचर्ड अपनी लैला को बताता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ जिससे मैं खुद को हमला करने से नहीं रोक पाया। इस पर रिचर्ड की गर्लफ्रेंड उसे समझाती है और फिर दोनों गाड़ी के अंदर ही घपाघप करना शुरू कर देते हैं और करने के दौरान ही रिचर्ड एक वेयरवॉल्फ में बदल जाता है। तभी रिचर्ड की गर्लफ्रेंड रिचर्ड को वेयरवॉल्फ बनते हुए देखकर वहां से भाग जाती है। आगे फिर जब रिचर्ड की आंख खुलती है, तब वो खुद को अपने घर पर देखता है, जहां रिचर्ड देखता है कि उसके मॉम डैड को उसने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। इससे रिचर्ड बहुत दुखी होता है और दुखी होने की वजह से रिचर्ड एक बार फिर वॉल्फ में बदल जाता है। तभी वहाँ रिचर्ड की गर्लफ्रेंड पुलिस लेकर आ जाती है, इसलिए रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये न्यूज आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि रिचर्ड एक वेयरवॉल्फ है और उसने अपने ही मॉम डैड को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। वहीं रिचर्ड को टीवी पर न्यूज से पता चलता है कि रिचर्ड ने जिन्हें मारा है वो रिचर्ड के असली मॉम डैड नहीं थे, बल्कि उन्होंने रिचर्ड को गोद लिया था। आगे फिर रिचर्ड जब एक सुनसान रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ कुछ सड़क छाप गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और फिर वो लड़की रिचर्ड से मदद मांगती है। इस पर रिचर्ड उन गुंडों से लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो गुंडे रिचर्ड की बात नहीं सुनते हैं और फिर रिचर्ड एक वेयरवॉल्फ बनकर उन गुंडों को बहुत मारता है। वहीं वो लड़की रिचर्ड को देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। यहां अब रिचर्ड को समझ आ जाता है कि वो सिर्फ रात को ही वेयरवॉल्फ बन सकता है। इसके बाद रिचर्ड वहां से निकलकर एक बार में जाता है, जहां रिचर्ड जब नशेबाजी कर रहा होता है, तभी उसके पास एक जिमी नाम का आदमी आता है जो रिचर्ड के पास बैठकर बातें करने लगता है। वहीं जिमी को पता होता है कि रिचर्ड एक प्योर ब्लड वेयरवॉल्फ है, इसलिए जिमी रिचर्ड के सामने अपना मुंह खोलकर दिखाता है कि वो भी रिचर्ड की तरह ही एक वेयरवॉल्फ है, जिससे रिचर्ड अब समझ जाता है कि वो अकेला वेयरवॉल्फ नहीं बल्कि उसके जैसे दुनिया में और भी लोग हैं। वहीं रिचर्ड जिमी को बताता है कि मुझे अपने असली पेरेंट्स की तलाश है। इस पर जिमी रिचर्ड को एक जगह नक्शा देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद रिचर्ड उस नक्शे की मदद से उस जगह पर पहुंच जाता है जो कि एक छोटा सा टाउन होता है। वहां पहुंचने के बाद रिचर्ड एक बार में जाता है। वहीं रिचर्ड बार में बियर पी रहा होता है। तभी रिचर्ड एक बात नोटिस करता है कि बार में बैठे सभी लोग उससे ही घूर रहे होते हैं। फिर रिचर्ड की मुलाकात एक एंजल नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है, जिसे देखते ही रिचर्ड के दिल की घंटी बजना शुरू हो जाती है। फिर रिचर्ड एंजल से बात कर ही रहा होता है, तभी एक लड़का रिचर्ड से उलझने की कोशिश करता है। इस पर रिचर्ड उसे बार के अंदर तो कुछ नहीं कहता, पर बार के बाहर रिचर्ड उसे एक वेयरवॉल्फ बनकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस लड़की की पैंट गीली हो जाती है। वहीं एक जॉन नाम का आदमी रिचर्ड को ये सब करते हुए देख रहा होता है। इसके बाद जॉन रिचर्ड से अपने फार्म हाउस में काम करने के लिए पूछता है। इस पर रिचर्ड जॉन की बात मान जाता है और जॉन के साथ उसके घर चला जाता है। फिर अगले दिन रिचर्ड जब काम कर रहा होता है, तभी वहां एक कॉर्नर नाम का आदमी आता है जो रिचर्ड को उसके आदमी पर हमला करने के लिए धमकी देता है। इस पर जॉन कॉर्नर से कहता है कि ये मेरा आदमी है और तुम इसे ऐसे नहीं धमका सकते हो, और फिर कॉर्नर वहां से चला जाता है। फिर आगे रिचर्ड रात को वापस एंजल से मिलने के लिए बार में जाता है। तभी रिचर्ड को बार के बाहर एक लड़का कार्टर मिलता है, जो रिचर्ड से कहता है मैं तुम्हारा दूसरा भाई हूँ। वहीं कार्टर रिचर्ड को कॉर्नर से बचकर रहने के लिए कहता है, लेकिन कॉर्नर कार्टर को रिचर्ड के साथ बात करते हुए देख लेता है। तभी कार्टर कॉर्नर को देखकर वहां से चला जाता है। आगे रास्ते में कॉर्नर के आदमी कार्टर को पकड़ लेते हैं, जहां कॉर्नर कार्टर से पूछता है कि तुमने रिचर्ड को क्या क्या बताया है। इस पर कार्टर कहता है कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, लेकिन कॉर्नर को कार्टर की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए कॉर्नर कार्टर को जंगल में भागने के लिए कहता है और फिर पीछे से कॉर्नर कार्टर को बड़ी बेरहमी से मार देता है। वहीं रिचर्ड जब बार से वापस आ रहा था, तभी उसे कार्टर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए रिचर्ड जंगल में कार्टर की मदद के लिए चला जाता है, जहां रिचर्ड को एंजल मिल जाती है। एंजल रिचर्ड को बताती है कि आज कॉर्नर और उसके
आदमियों ने किसी का शिकार किया है और जब एंजल और रिचर्ड छुपकर कॉर्नर को देखते हैं तब कॉर्नर और उसके आदमी कार्टर को मारकर खा रहे होते हैं। वहीं रिचर्ड जब उन लोगों को कार्टर की डेड बॉडी को खाते हुए देखता है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और उसकी वाइफ टीवी पर रिचर्ड के वेयरवॉल्फ बनने की न्यूज देख रहे होते हैं। तभी वहां रिचर्ड भी आ जाता है जिसे जॉन की वाइफ गले लगा लेती है और जॉन भी वही होता है जो रिचर्ड से कहता है तुम मेरी बहन के बेटे हो। वहीं जॉन रिचर्ड को सारी सच्चाई बताता है कि कॉर्नर को कुछ साल पहले तुम्हारी मॉम पसंद आ गई थी जो कि एक प्योर ब्लड वेयरवॉल्फ थी और जब कॉर्नर ने तुम्हारी मॉम से अपने प्यार का इजहार किया तो तुम्हारी मॉम ने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो कॉर्नर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं ये बात कॉर्नर को बर्दाश्त नहीं हुई इसलिए कॉर्नर ने जबरदस्ती तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती की और तुम उसी कॉर्नर के बेटे हो और कॉर्नर ही तुम्हारा असली बाप है इसलिए तुम भी एक प्योर ब्लड वेयरवॉल्फ हो। दरअसल कॉर्नर के जबरदस्ती करने के बाद तुम्हारे नाना ने चारों तरफ अपनी बेटी के मरने की झूठी खबर फैला दी थी ताकि कॉर्नर वापस से तुम्हारी मॉम को कोई नुकसान ना पहुंचा सके और फिर कुछ महीनों के बाद तुम्हारा जन्म हुआ तभी तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या कर ली और फिर तुम्हारी मॉम के मरने के बाद हमने तुम्हें किसी को गोद दे दिया। इसके बाद कॉर्नर को जब तुम्हारी मॉम के मरने का पता चला तो कॉर्नर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया और फिर उसने बहुत से लोगों को काटकर वेयरवुल्फ में बदल दिया जिनसे कॉर्नर ने अपने वेयरवुल्फ की एक टीम बनाई जिनके साथ मिलकर कॉर्नर लोगों का शिकार करता है। वहीं जॉन रिचर्ड को बताता है कि काटकर बनाए गए वेयरवॉल्फ प्योर ब्लड वेयरवॉल्फ से बहुत कम ताकतवर होते हैं इसलिए कॉर्नर को एक प्योर ब्लड लड़की चाहिए जो कि एंजल है जिससे रिचर्ड बहुत प्यार करता है। वहीं कॉर्नर को अगर एक बार प्योर ब्लड लड़की मिल गई तो फिर कॉर्नर कभी भी किसी का शिकार नहीं करेगा। वहीं अब एंजल भी कॉर्नर के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन रिचर्ड उसे मना करता है क्योंकि रिचर्ड एंजल से बहुत प्यार करता है। तभी रिचर्ड गुस्से में कहता है कि हम सब एक जानवर हैं। मैंने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। तभी एंजल रिचर्ड को बताती है कि एक दिन मेरे डैड बहुत ज्यादा नशे में आए और उन्होंने नशे में ही मेरी मॉम को मार दिया और जब सुबह मेरे डैड की नींद खुली तब उन्होंने मॉम को मरा हुआ देखकर खुदकुशी कर ली थी। इस पर रिचर्ड एंजल से पूछता है कि ये कोई पावर है या कोई श्राप। तभी एंजल रिचर्ड से कहती है कि अगर हम इस पर कंट्रोल कर लें तो ये कोई पावर से कम नहीं और फिर एंजल और रिचर्ड अपनी अपनी पावर को देखने के लिए जंगल में भागने लगते हैं और भागते भागते एक फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड के रोकने के बाद भी एंजल रिचर्ड के करीब जाती है और फिर दोनों वहीं घपाघप करते हैं। आगे जॉन के घर बहुत सारे प्योर ब्लड वेयरवॉल्फ की मीटिंग होती है जहां वो सभी लोग एंजल को कॉर्नर के हवाले करने के बारे में बात करते हैं पर रिचर्ड उन्हें ऐसा करने से मना करता है और अकेले ही कॉर्नर से भिड़ने के लिए चला जाता है। आगे रिचर्ड कॉर्नर के पास पहुंचने के बाद उससे कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूं जिसके साथ तुमने जबरदस्ती की थी। यहां कॉर्नर रिचर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह भागने का मौका दूंगा अगर तुम बचकर भाग सकते हो तो भाग लो। इतना कहने के बाद कॉर्नर अपने आदमियों को रिचर्ड के पीछे मारने के लिए भेज देता है लेकिन रिचर्ड जंगल में कॉर्नर के सभी आदमियों को बहुत बुरी तरह से मार देता है पर तभी वहां कॉर्नर अपने कुछ आदमियों के साथ आकर रिचर्ड को पेलने लगता है। तभी रिचर्ड कॉर्नर के चेहरे पर अपना पंजा मारकर वहां से भाग जाता है लेकिन आगे कुछ दूर भागने के बाद रिचर्ड एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाता है। तभी वहां कॉर्नर भी आ जाता है इसलिए रिचर्ड को ना चाहते हुए भी खाई में कूदना पड़ता है। वहीं खाई में गिरने की वजह से रिचर्ड बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तभी वहां जिमी आ जाता है जो रिचर्ड को उठने के लिए कहता है और फिर रिचर्ड किसी तरह से उठकर जंगल की तरफ भाग जाता है जहां उसे एंजल मिल जाती है। फिर एंजल रिचर्ड को घर ले जाती है। आगे अगली सुबह रिचर्ड जब बिस्तर पर जख्मी हालत में लेटा होता है तभी जॉन रिचर्ड के पास आकर उसे उठने के लिए कहता है पर रिचर्ड की कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं पाता है। फिर जॉन एंजल को इशारा करके चला जाता है। तभी एंजल रिचर्ड के साथ चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि रिचर्ड के जख्म बहुत जल्दी जल्दी से भरने लगते हैं। इसके बाद एंजल रिचर्ड को घर के बाहर ले जाकर भागने के लिए कहती है। रिचर्ड पहले तो मना करता है लेकिन जब रिचर्ड भागने लगता है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और फिर रिचर्ड ठीक होने के बाद जॉन के पास जाता है जहां रिचर्ड जॉन के पास बहुत सारा गोरा बालू देखता है। फिर रिचर्ड कॉर्नर और उसके आदमियों को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। रिचर्ड जॉन के घर के चारों तरफ बारूद बिछा देता है। वहीं रिचर्ड जब बारूद बिछा रहा होता है तभी उसे एंजल के चीखने की आवाज आती है और फिर देखने पर पता चलता है कि कॉर्नर और उसके आदमी जॉन और एंजल को उठाकर ले गए हैं। आगे हम कॉर्नर को उसके अड्डे पर देखते हैं जहां उसके आदमियों ने एंजल को बांध रखा था। वहीं जॉन और उसकी वाइफ को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। तभी वहां रिचर्ड आ जाता है जो कॉर्नर के एक एक आदमी को मारने लगता है। वहीं रिचर्ड एंजल को भी आजाद करके जंगल की तरफ भाग जाता है। अब एंजल भी एक वेयरवॉल्फ बनकर कॉर्नर के आदमियों को
मारने लगती है और फिर जॉन को भी पिंजरे से निकाल देती है। इधर रिचर्ड अपने प्लान के हिसाब से कॉर्नर को जॉन के घर के बाहर ले आता है। वहीं जॉन एक खिड़की पर गन लेकर खड़ा हो जाता है और कॉर्नर और उसके आदमियों को वहां से जाने के लिए धमकी देने लगता है, लेकिन कॉर्नर एंजल को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तभी जॉन घर के बाहर बिछी हुई बारूद पर गोली मारकर ब्लास्ट करने लगते हैं, जिससे कॉर्नर के बहुत से आदमी मारे जाते हैं। तभी कॉर्नर रिचर्ड को एक कमरे में देखता है और फिर कॉर्नर अपने आदमियों के साथ उसी कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन रिचर्ड कमरे से भी भाग जाता है। वहीं कॉर्नर को जब तक समझ आता है कि ये एक ट्रैप है, तभी जॉन वहां गोली मारकर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉर्नर के सभी आदमी मारे जाते हैं, पर कॉर्नर जिंदा बच जाता है और फिर कॉर्नर रिचर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन रिचर्ड कॉर्नर को बहुत बुरी तरह से पेलता है। वहीं जॉन कॉर्नर को दूर से गोली मारने ही वाला होता है, पर रिचर्ड उसे मना कर देता है। वहीं रिचर्ड कॉर्नर से कहता है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर कॉर्नर कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था और मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मॉम को मुझसे दूर करने के लिए कहीं छुपा दिया था और हर जगह तुम्हारे मॉम के मरने की झूठी खबर फैला दी। वहीं तुम्हारी मॉम के मरने की खबर ने मुझे एक बुरा आदमी बनने पर मजबूर कर दिया। तभी यहाँ पर जिमी आ जाता है, जो रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुमने अपने पेरेंट्स को मारा था। उन्हें तुमने नहीं, मैंने मारा था। दरअसल मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकलवाया था, और जब मुझे रिचर्ड के बारे में पता चला तो मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारकर उसका इल्जाम तुम्हारे सर पर रख दिया। इसके बाद रेस्टोरेंट में जाकर मैंने तुम्हें इस टाउन का एड्रेस दे दिया जिससे तुम मेरे जाल में फंस सको। वहीं रिचर्ड जिमी की सारी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है, और जब रिचर्ड जिमी को मारने की कोशिश करता है तो जिमी रिचर्ड को एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर कॉर्नर जिमी को रोकने की कोशिश करता है तो जिमी अपने पंजों से कॉर्नर का गला काटकर उसे मार देता है। फिर जिमी रिचर्ड को भी मारने की कोशिश करने लगता है, तभी वहां जॉन आकर जिमी को गोली मार देता है। इस पर जिमी रिचर्ड को छोड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन रिचर्ड जिमी को भागकर पकड़ लेता है। इसके बाद जिमी जमीन पर पड़े पड़े सिगरेट जलाकर पीने लगता है। तभी रिचर्ड जिमी के हाथ से सिगरेट छीनकर पास में लगे माइंस के पास फेंक देता है और खुद जिमी से दूर जाने लगता है। तभी वहां एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें जिमी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर आगे हम रिचर्ड और एंजल को कहीं जाते हुए देखते हैं। तभी जॉन रिचर्ड को बाकी के बचे हुए बेयरवॉल्फ के नाम की लिस्ट देता है और उनसे मिलने के लिए कहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी, और लाइक शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।